हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बीए बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो ज्योग्राफी फर्स्ट का पेपर होने वाला है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। इसमें देखो, आपका जो पेपर होने वाला है वो आपका कितने नंबर का होगा। जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है उनका तो आपका 75 नंबर का होगा, और जो साइंस वाले स्टूडेंट है उनका 50 नंबर का होगा। और आपको 75 वाला जो पेपर है उसको लगभग 38 नंबर का करना है, मान लो कि 40 नंबर का करना है, और जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनको 25 नंबर का करना है। और आपका पेपर का जो टाइम है वो 1.5 घंटे का रहेगा। इसमें देखो, आपका जो पेपर है उसमें देखो स्टार्टिंग का जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको देखो मतलब ये कुछ नाम दिए हुए हैं, कैस्पियन सागर, अगोबी मरुस्थल, आइसलैंड, लाल सागर, थार मरुस्थल, एटलस पर्वत, सुपीरियर झील, जिब्राल्टर, जल डमरू मध्य, डैन्यूब नदी और रॉकी पर्वत। तो इस तरह से ये आपको नाम दिए हुए हैं और ये विश्व के मानचित्र में दिए हुए होंगे। अब बच्चों के कन्फ्यूजन होगा कि सर मानचित्र हमें दिया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका पेपर होगा उसके पीछे का जो लास्ट पेज होगा ना उस पर मानचित्र होगा, आपको वो भर के जमा करवाना है, पेपर से फाड़ के अलग करना है और फाड़ करके आपको जमा करवाना है नोटबुक के साथ आपकी। उसके बाद देखो, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इसमें देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो इसमें देखो आपके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखो इनमें आपको 5 के आंसर देने हैं। निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की, क्रस्ट एवं मेंटिल के मध्य कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, एक रूपतावाद सिद्धांत किसने दिया, डेविस का त्रिकूट क्या है, तापमान की सामान्य पतन दर को परिभाषित कीजिए, चिनूक क्या है, वाताग्र को परिभाषित कीजिए, महाद्वीपीय मग्न तट क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित कीजिए, सेल्वा क्या है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपके ये जो मतलब देखो, मैं आपको बता दूं कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके 2 पार्ट हैं, तो आर्ट्स वालों के लिए दोनों पार्ट 7.5 नंबर के होंगे, मतलब 15 नंबर के होंगे, ठीक है ना। मतलब इस फर्स्ट क्वेश्चन का ए और बी पार्ट है ना, दोनों 7.5 और 7.5-15 नंबर के होंगे, और जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं इन दोनों इनका ये 5-5 नंबर का होगा। मतलब साइंस वाले स्टूडेंट के लिए ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, और आर्ट्स वालों के लिए 7.5-7.5 मतलब 15 नंबर का क्वेश्चन है, और साइंस वालों के लिए 10 नंबर का क्वेश्चन है। आगे देखो आपके जो ये सेक्शन ए बी और सी, इनमें आपके और पेपरों में आपके 2-2 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे आपको 3-3 क्वेश्चन मिलेंगे और 3-3 में से आपको एक एक करना है। जैसे प्लेट क्या है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का विस्तार पूर्वक लेखा प्रस्तुत कीजिए, कोबर के पर्वत निर्माण सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, हिमनद के अपर धनात्मक व निक्षेपात्मक कार्यों का वर्णन कीजिए, पृथ्वी की वायुदाब पेटियों व ग्रही पवनों का विस्तार से वर्णन कीजिए, चक्रवात क्या, उष्ण कटिबंधीय व शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की विभिन्नता का वर्णन कीजिए, थोर्नथ्वेट की जलवायु वर्गीकरण का विस्तृत लेखा प्रस्तुत कीजिए, अंदर सागर नीतल के विभिन्न उच्चावचों का वर्णन कीजिए, महासागरों की लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों के लेख प्रस्तुत कीजिए, बायोम को परिभाषित कीजिए, सवाना बायोम का विस्तृत लेख प्रस्तुत कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोम वाला, है ना। इसमें देखो, मैं आपको 2 पेपर एक साथ करवाने वाला हूं, तो इसका जो सेकंड पेपर है इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि एक पेपर में से सारे क्वेश्चन आना काफ़ी इम्पॉसिबल बात है, लेकिन अगर 2 पेपर अगर अपने पास रहेंगे तो 2 में से आपके लगभग क्वेश्चन कवर होने की पूरी पूरी संभावना है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि और जो आपने पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, लेकिन इसके जो बड़े वाले क्वेश्चन है ना इनको आप देख लेना, क्योंकि आपको सिर्फ 2-2 क्वेश्चन बड़े वाले करने हैं, 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, सॉरी हाँ दोनों पेपरों में 4 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, 2 पहले पेपर के 2 दूसरे पेपर के, तो 20-20-40 नंबर के ये हो गए, 20-20-40 नंबर के ये हो गए। मतलब आपको और छोटे वाले क्वेश्चन या फिर जो मैप है उसको करने की जरूरत नहीं है, बस आप 2-2 क्वेश्चन कर लेना। इसमें आपको वही सिस्टम है, आपका 75 का पेपर है वो 38 नंबर का करना है, और जो 50 का पेपर है वो 25 नंबर का करना है ना। इसमें भी देखो, आपका जो पहला क्वेश्चन है इसमें कुछ दिए हुए हैं, तो इनको आपको क्या करना है, विश्व के मानचित्र में दर्शाना है, और मानचित्र आपको पेपर के पीछे मिल जाएगा। उसके बाद देखो, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें देखो, सौर परिवार की उत्पत्ति संबंधी वायव्य राशि परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति गारा स्थलाकृति कहलाती है, हरिकेन कहाँ उत्पन्न होते हैं, टेलीग्राफिक पठार किस महासागर में स्थित है, और महासागरों की औसत लवणता कितनी प्रतिशत है। तो इस तरह से आपके छोटे क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद देखो, जो सेकंड नंबर का थर्ड और ये, इसमें देखो आपके 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, इनमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, कोई भी 2 क्वेश्चन कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो आपके 40 नंबर कवर हो जाएंगे। इसमें देखो, जो पहला दूसरा क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल को परिभाषित कीजिए, इसके कार्यक्षेत्र और विकास का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है ना, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। वेगनर की महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, नदी के अपरदनात्मक एवं निक्षेपात्मक
कार्यों का वर्णन कीजिए, वायुमंडल के संगठन एवं स्तरीय स्तरीकरण का विस्तार से वर्णन कीजिए, वाताग्र क्या है, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत की सहायता से शीतोष्ण चक्रवात के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए, और एक ये कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का विस्तृत लेख प्रस्तुत करिए। तो मतलब ये सातवां जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छी तरीके से तैयार कर ले। उसके बाद देखो, प्रशांत महासागर नितल के विभिन्न उच्चावचों का वर्णन कीजिए, परवाल बितिया क्या है, इसकी उत्पत्ति से संबंधित डार्विन के मत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, और बायोम को परिभाषित कीजिए, भूमध्य रेखीय वर्षा वन बायोम का विस्तृत लेखा प्रस्तुत कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन परवाल और बायोम, तो ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने इस पेपर में सिर्फ चार क्वेश्चन बताए हैं, तो चार क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार के लिए कर लीजिए, और आपके मैं कहता हूं कि अगर ये 4% आप सही कराते हो तो 40 के 40 नंबर आपके आ जाएंगे। उसके बाद देखो, इसमें इसके बाद जो आपका इसका जो सेकंड पेपर है वो भी जल्दी अपलोड करने वाला हूं, और इन पेपरों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।